मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का प्रचार कर रही तीन महिलाओं सहित कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि महिलाओं ने एक कारोबारी को ईसाई धर्म अपनाने के एवज में 20 लाख रुपए देने की बात कही और बच्चे की पढ़ाई मिशनरी स्कूल में फ्री में कराने का लालच भी दिया। कारोबारी ने अपने साथियों की मदद से महिलाओं को आनंद नगर पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं के साथ दो युवक भी थे जो वहां से भाग गए। पुलिस ने तीन महिलाओं समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। तीनों आरोपी महिलाएं हैं और उनमें से दो महिलाएं भोपाल व एक नर्मदापुरम की रहने वाली है। एसआई संतोष रघुवंशी ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की थी। मौके पर तस्दीक कराने पर फरियादी के आरोपों की पुष्टि हुई। महिलाओं के पास से प्रचार प्रसार संबंधी पर्चे मिले हैं। शेष दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। 14 जुलाई को शाम को करीब 8 बजे जो है धनवीर सिंह अपने एक दो साथियों के साथ आनंद नगर चौकी पे आए। उन्होंने बताया कि दो तीन महिलाएं और दो पुरुष जो है शिवनगर में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं को जो है अपने धर्म में शामिल होने के लिए अच्छी शिक्षा और नकदी पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने लिखित आवेदन पत्र दिया। तत्काल जो है हमराय बल के साथ मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे महिलाएं जो है कुछ बुकलेट और कुछ पंपलेट बांट रहे थे जिनमें क्रिश्चियन धर्म के बारे में कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद उन्हें हम चौकी लेके आए, उनसे पूछताछ करी। उसके बाद जो फरियादी थे उमेश ठाकुर, उनकी शिकायत पर FIR की गई है और जो धाराएं थी उनके अनुसार जो है विधिवत कार्रवाई करके उनको नोटिस भी छोड़ दिया गया। अभी विवेचना में है मामला और जो महिलाएं हैं इनका कहना है चंद्रवान और बदा प्रसाद दो लोग इनको साथ में लेके आए थे। तो चंद्रवान बदा प्रसाद की अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है। जैसे ही इन दोनों की अरेस्टिंग होती है तो इसमें और क्या पहलू हैं उनकी जांच की जाएगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक महिला होशंगाबाद की है, दूसरी महिला बावड़िया कला की है, तीसरी अवधपुरी क्षेत्र की रहने वाली है। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।